आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। वाटर सेव के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कई तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं भी इसका समय समय पर आग्रह कर रहा हूं, और क्योंकि ये हम जानते हैं कि यहां के लोग जो यहां मूल रूप से लोग हैं, 103 करोड़ लोग, अधिकतर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। वैसे इस राज्य में खनन कार्य तो होता है, और मुझे लगता है कि नबार्ड का खनन कार्य तक से कोई लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे या कर रहे हैं आप लोगों से जुड़ी चीजों पर, गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, नौजवानों पर, छात्रों पर। और हमारा भी लगातार प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो मैं समझता हूं उस राज्य की जड़ें मजबूत होती है। जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ भी मजबूत नहीं होगा। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मानसिकता है, जो वहां पर काम करने की दक्षता है, सरकार को इसकी समझ होनी चाहिए और उसके अनुरूप भी कार्य योजनाएं तैयार होनी चाहिए। हम लोगों ने कई बहुउद्देश्यीय कार्य योजना लॉकडाउन के दौरान ही प्रारंभ किए हुए थे, अभी कई प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे पशुधन वगैरह योजना हम लोग ला रहे हैं। और इस तरीके की कई योजनाएं हमारे विचार में भी हैं, और अभी बहुत हम लोग, मैं समझता हूं कि ये आज का ये सेमिनार इस राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए पहला कदम है। हम ये ऐसे सेमिनार और ये सेमिनार इस राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए एक पहला कदम है। हमें ऐसे सेमिनार और आवश्यकता होंगी, वो इसलिए क्योंकि लगभग पूरी दुनिया विगत साल भर से बिल्कुल ठप पड़ी हुई, जो जहां है खड़ा है, सारे उद्योग धंधे, सारे कृषि व्यवस्थाएं, जो अपने भरोसे अपने तरीके से चल पा रहा है। इसमें सरकार, इसमें जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उस विषय पर अभी सरकार चर्चा ही कर रही है। कुल मिला के कहा जाए, अगर हम अपने देश के पैमाने में देखें, कई राज्य बहुत आगे निकल चुके हैं, कई राज्य बहुत पीछे हैं, लेकिन संक्रमण के इस दौर में सब लगभग एक लाइन के आसपास आके खड़े हैं। कोई भी किसी को कह नहीं सकता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, कोई ये भी नहीं कह सकता है कि बहुत पीछे निकल चुके हो, क्योंकि अगर हम कोरोना संक्रमण का एक पैरामीटर देखें तो वहीं केरल जैसे राज्य में जहां स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर और मजबूत है, आज कोरोना ने उसको भी घुटने टिका दिए। और जहां झारखंड जैसे पिछड़े राज्य रहे हैं, यहां जब कोरोना का संक्रमण हुआ, आप लोगों ने स्थिति देखी कि बिना किसी अफरा तफरी के हम शांति से आगे बढ़ते जा रहे हैं और जीवन को सामान्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बिल्कुल आगे है, कुछ में आगे है तो कुछ में पीछे। तो अब मुझे लगता है जब अगली ये कहा जाए कि एक समय का बदलाव है, कि अब जो भी राज्य कार्य करेंगे
और उनकी जो कार्य योजना बनेगी आने वाला समय में, उन राज्यों का एक अलग से आकलन होगा देश दुनिया के अंदर कि राज्य अब किन गतियों से बढ़ रहे हैं, और हम लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आगे के लक्ष्य को पाने के लिए मौजूदा स्थिति में हम ऐसे कार्य योजना को तैयार करें जिसके माध्यम से गरीब किसान मजदूरों को अपने पैरों पर खड़ा होने में सहूलियत मिले। नहीं तो फूड सिक्योरिटी के तहत किसी को जीने भर का अनाज देने से क्या फायदा, जब वो कुछ सोचने का क्षमता ही नहीं विकसित कर पा रहा है। सिर्फ जिंदा रखने से कोई मतलब तो नहीं है, उसको चलने के लिए भी क्षमता चाहिए। तो हमें उतना उसको ताकत देना होगा कि वो जीने के साथ साथ एक्टिविटीज भी कर पाए, आगे भी बढ़ पाए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर हम लोग आगे बढ़ें। आज हम लोगों के लिए इस राज्य का तो सबसे खासियत यह है कि इस राज्य में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, मुझे लगता है, जिसकी संभावनाएं यहां पर ना हो। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता हूं, कहीं कहीं ऐसे जगह भी यहां इस राज्य में है जिसकी तुलना हम शिमला नैनीताल से भी कर सकते हैं। कुछ जगह तो ऐसे हैं जहां पर गर्म प्रदेशों के बराबर उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे इस राज्य में 5 प्रमंडल हैं और पांचों प्रमंडल अपनी अपनी अलग अलग खासियत लेके बैठा है। प्राकृतिक व्यवस्था तो हमारे कण कण में आपको देखने को मिलेगा, खनिज संपदा तो अपने आप में पूरे दुनिया में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इससे इतर अगर हम सोचें तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें भी असीम संभावनाएं। उससे अलग थोड़ा सोचें तो टूरिज्म की असीम संभावनाएं, उससे थोड़ा और हम सोचें तो यहां स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं, कला संस्कृति की असीम संभावनाएं। मुझे हल्का सा याद है जब हम गांव में हुआ करते थे तो गांव में गन्नों की खेती होती थी। हमारे गांव में तो खेत में गन्ना का पिराई होता था और बड़ा सा पतीला हुआ करता था, उसमें उसको उठाया जाता था। लेकिन आजकल कोई गन्ना कहीं दिखता नहीं, सिर्फ दिखेगा तो छठ के पूजा में दिखेगा। पता नहीं कहीं उगा के लाते हैं या कहीं से दूसरे राज्यों से आता है, ये तो समझ से परे। आखिर ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं? हमारा ये राज्य देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य रहा है। देश का पहला और आखिरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे ही राज्य में लाह का, लेकिन आज वो बीमार पड़ा है। कई उद्यान हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे पांडे जी, सचिव पेयजल,
और इरीगेशन डिपार्टमेंट के इरीगेशन डिपार्टमेंट प्रशांत कुमार जी, श्री संजीव दयाल जी जीएम आरबीआई, जीएम एसएलबीएस श्री राजेंद्र पांडे जी और नवाज के जीएम सीजीएम एक के पास बड़ी साहब और यहां उपस्थित और सबने बहुत लोगों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और अपनी बातें रखी है। जो भी समस्याएं हैं झारखंड जिले के एलडीएम डीडीएम सभी सभी नागरिकों को मैं और से इस समारोह में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद हमारा नजर करते हुए अपनी और से जुड़ा करता हूं। थोड़ी हमें विलंब हुई यहां पहुंचने में और इसकी काफी चर्चाएं भी हुई है सेमिनार में। वैसे तो नवाज का नारा बहुत बड़ा है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, ऋण उपलब्ध कराने के विषय में हो, सिंचाई के विषय में हो, कृषि उपकरण का विषय हो, शिक्षा आवास ऊर्जा सभी लगभग विकास कार्यों के अधिकतर हिस्सों को ये नवाज छूता है और देश के विभिन्न राज्यों में नवाज की गतिविधियां होती हैं। हमारे राज्य में भी नवाज की कई गतिविधियां चल रही हैं। आज इस कार्यक्रम में 2021 के लिए फोकस पेपर जारी भी किया गया है और मुझे लगता है कि जो आज इस फोकस पेपर में अंकित चीजें हैं आने वाले समय में राज्य के लिए एक बहुमूल्य सुझाव बहुमूल्य उद्देश्य की ओर हम आगे जाएंगे। लंबे समय के कार्यरत के बाद नवाज ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है और बहुत ही ग्रास लेवल पर जाकर जरूरतमंदों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम लगातार इनका जारी रखा है। कई सिर्फ पहले जैसे मैंने कहा है इनका दायरा काफी बड़ा है। उपकरण उपलब्ध कराने से लेकर सलाह तक ये सरकार को उपलब्ध कराते हैं कि किस राज्य में किस तरीके के विकास के ढांचे होने चाहिए। इनकी बातों को गंभीरता से भी लेती जो मुझे कुछ जानकारी मिली है 2020-21 के लिए राज्य में प्राथमिकता के क्षेत्र को ऋण की क्षमता लगभग 28,000 करोड़ रुपए आती गई। मुझे लगता है कि जो मैं यहां के लोगों के कार्य करने की दक्षता को देखता हूं इन छोटे छोटे कम ब्याज पर मिलने वाले ऋण जो हैं लोगों के लिए काफी
मददगार साबित हो। और झारखंड जैसे पिछले राज्य में धीरे धीरे सही ग्रामीण क्षेत्र के किसान आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा होकर एक व्यापारिक क्षेत्र में कैसे जुड़ेंगे ये मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिसको हमेशा से हम विचार को कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की ये बड़ी बड़ी गोष्ठियां तो होती हैं, लेकिन कहा जाए कि कहीं ना कहीं वास्तविकता में ये ग्रामीण छूट जाते हैं, कागज और कलम के बीच में ही दर्ज के रहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कई राज्य तो अधिकतर जीवन यापन ग्रामीण क्षेत्रों से जीने वाले राज्य हैं, उनमें से झारखंड प्रदेश भी हमारा एक है जहां हम बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते लोग हैं। और मुझे लगता है इस तरीके के छोटे ऋण उपलब्ध कराने से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी और उसको आगे बढ़ने में गति भी मिलेगा। एक जानकारी के अनुसार 1920 में लगभग 65,000 किसानों के बीच 2,033 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया। मुझे लगता है कि झारखंड के लोग जहां कृषि पर निर्भर हैं उसके अनुपात में ये ऋण थोड़ा भी कम है। जहां हम देखें हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ वगैरह है जहां भौगोलिक भी लगभग सेम है, जनसंख्या भी लगभग थोड़ा बहुत अंतर के साथ है, वहां पर अगर हम देखें तो यही 1920 में लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा ऋण पाते थे। हमारे वित्त सचिव ने कुछ आंकड़ों को अंकित किया है। हमारे यहां कई लीडिंग बैंक्स हैं, मैं समझता हूं कि जिस राज्य में जिस बैंक की आमदनी होती है जिस रेशियो में उस आमदनी का अधिक हिस्सा मुझे लगता है उस राज्य में खर्च होनी चाहिए। और इस व्यवस्था में लीडिंग बैंक थोड़े कमजोर जरूर दिखाई पड़ते हैं, कई कारण है, इस पर हम लोग और उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सहयोगी व्यवस्था है एक दूसरे के साथ सभी लोगों की कड़ी जुड़ी हुई है, अगर इसमें कोई भी संस्था या व्यवस्था पीछे हटती है तो कड़ी पूरी नहीं जुड़ती, उसका सही लाभ लोगों को राज्य को सर्वांगीण विकास के लिए बाधा बन सकता है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे राज्य में